अब क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है कि क्लासरूम के अंदर चार बच्चे बैठे हुए हैं, चार यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स, पॉइंट ए बी सी डी पर, ठीक है। और ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। पॉइंट ए मेरे को दिया हुआ है 3 एंड 4, ये मेरे को 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 4 है इस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 7 है इस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू अगेन यहाँ पे 4 है, सॉरी एक मिनट, पॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट सी एक ही लाइन में है, पॉइंट बी और पॉइंट डी यानी कि यहाँ पर एक ही लाइन में है, यहाँ पर पॉइंट ए की वैल्यू यानी कि पॉइंट ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3 एंड 4, यहाँ पे भी जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी 3, सॉरी इसकी वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है यहाँ पे 4। वाई की वैल्यू तो यहाँ पे सेम है इन दोनों के लिए, वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसके लिए एक्स की वैल्यू मेरे यहाँ पर 3 है, इसके लिए एक्स की वैल्यू 9 है। अब जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 7 है, यहाँ पर वाई की वैल्यू 7 है और एक्स की वैल्यू 6 है, ये पॉइंट भी इसी लाइन पर है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 6 है और वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर ये वाला, ये इस तरह से मेरे को दे रखे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अब मेरे को बताना है कि क्या ये स्टूडेंट जो इस लाइन में बैठे हुए हैं, ये जो पॉइंट मिलते हैं इनको मिलाने से क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। मेरे को बताना है कि ये जो पॉइंट आपस में मिलकर जो फिगर बन रही है वो स्क्वायर है या नहीं है। इस क्वेश्चन में जब चंपा एंटर करती है रूम में तो वो पूछती है चमेली से क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, तो चमेली डिसएग्री कर देती है, तो मेरे को बताना है कि क्या चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब देखते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन। सो मैं मान लेता हूं यहां पर एक्स टू एक्स वन वाई वन ये है, एक्स टू वाई टू ये है, ठीक है। सो एक्स टू माइनस एक्स वन 6 माइनस 3 एंड वाई टू इज 7, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू इज 7 माइनस वाई वन इज 4 स्क्वायर, सो इट इज 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर, इट इज 9 प्लस 7 माइनस 4 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू, यहां पे अब मैं एक्स टू वाई टू इसको मान लूंगा और एक्स वन वाई वन इसको, ठीक है। तो एक्स वन वाई वन मेरा ये हो गया और एक्स टू वाई टू ये, सो 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 स्क्वायर, ओके, सो इट इज ऑल्सो अगेन 9 माइनस 6, 3, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 4 माइनस 7 इज 3, माइनस 3, एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इज 9 ऑल्सो. Now again BC and CD. So distance between CD it is, so now x1 y1 is this and x2 y2 is this. So 6 minus 9 square root of 6 minus 9 square plus 1 minus 4 square. Now 6 minus 9 is minus 3 and minus 3 square is equal to 9 plus 1 minus 4 is minus 3 and square of minus 3 is 9 and it is square root. Now distance between D and A. यहाँ पे उसी तरह मान लेंगे, अब x2 y2 ये हो जाएगा मेरा और x1 y1 ये, ठीक है, x1 y1 ये. So 3 minus 6 square plus 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इट गिव्स ऑल्सो 3 माइनस 6 इज माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9. तो देखिए इस जो साइड हैं सारी सारी इक्वल आ रही हैं. इन साइडों को देखकर पता चलता है कि ये जो पॉइंट्स है ये एक स्क्वायर के टर्म में अरेंज है, मींस इसके जो वर्टिसेस है यानी कि जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं. अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मेरे को पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये मेरे को क्वेश्चन 6 के थ्री पार्ट दे रखे हैं. उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मेरे को क्वाड्रेटरल के क्या दे रखे हैं, चार पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है मेरे को, माइनस वन कोमा माइनस टू, सेकेंड है मेरे को 1 0, एंड थर्ड इसको मैं ए बोल देता हूं, ये वाला बी और ये वाला सी मेरे को दे रखा है माइनस वन कोमा टू, और डी मेरे को दे रखा है माइनस थ्री कोमा जीरो. ये मेरे को पॉइंट दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटल के. अब एक रफली डायग्राम बना लेते हैं किसी क्वाड्रेटल का, मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, पता नहीं है कौन सा है. अब मेरे को इन पॉइंटों को मैं वर्टिसेस मान लेता हूं, इसको मैं माइनस वन कोमा माइनस टू मान लेता हूं, इसको 1 कोमा 0, इसको माइनस वन टू, इसको माइनस 3 कोमा 0. इट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है. अब मैं डिस्टेंस फॉर्मल लगा देता हूं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मल लगाने से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वो है, क्वाड्रेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू. सो एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस ऑफ माइनस वन स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ऑफ माइनस टू स्क्वायर. इट इज माइनस माइनस कैंसल, सो इट इज प्लस, वन प्लस वन टू, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज ऑल्सो फोर, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एट. नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू, नाउ इट इज बिकम एक्स वन वाई वन एंड इट इज एक्स टू वाई टू फॉर दिस, ओके. नाउ एक्स टू इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट.
सो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू इट्स फोर, प्लस टू टू जा फोर इट इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ एट. नाउ डिस्टेंस बिटवीन सी डी इट इज नाउ एक्स टू वाई टू इट इज एंड एक्स वन वाई वन इट इज एक्स टू इज माइनस थ्री एंड इट इज माइनस वन या माइनस ऑफ माइनस वन इट इज प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई टू जीरो माइनस टू स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन इट्स माइनस टू स्क्वायर इट्स फोर प्लस माइनस टू स्क्वायर इट्स फोर सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एट. नाउ डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए. नाउ एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा और एक्स वन वाई वन ये बन जाएगा. ठीक है, तो माइनस वन प्लस थ्री स्क्वायर, क्योंकि यहां पे माइनस थ्री है ना, तो जब मैं यहां पे माइनस आएगा तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, प्लस हो जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस टू माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा थ्री माइनस वन इट्स टू, टू का स्क्वायर फोर, प्लस माइनस टू का स्क्वायर इट्स फोर एंड इट इज एट स्क्वायर रूट ऑफ एट. तो यहां पे भी एट, यहां पे भी एट, यहां पे भी एट, यहां पे भी एट, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया स्क्वायर रूट, सॉरी डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एट, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एट, ये भी. तो जब किसी क्वाड्रेटल की जो चारों साइड हैं वो इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर होता है. ठीक है, इससे अगला सवाल है सेकंड वाला. मेरे को पॉइंट रखे हैं माइनस थ्री एंड फाइव, थ्री वन जीरो थ्री माइनस वन कोमा माइनस फोर. ये मैं ए पॉइंट हो गया, ये बी, ये सी और ये डी. ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन ए और बी निकाल लीजिए. सो थ्री डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इट इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. सो एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर थ्री माइनस, और ये माइनस है तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, प्लस वन माइनस फाइव स्क्वायर. थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री इज नाइन, नाइन स्क्वायर एट्टी वन, प्लस वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, माइनस फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन. ठीक है, सो सिक्स प्लस वन सेवन, एट वन नाइन्टी सेवन. ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इट इज थ्री माइनस थ्री स्क्वायर प्लस जीरो, सॉरी ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर. जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री एंड स्क्वायर ऑफ माइनस थ्री इज नाइन, प्लस थ्री माइनस वन इज टू, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ थर्टीन, थर्टीन एंड डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज माइनस फोर, नॉट माइनस फोर.
स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो स्क्वायर प्लस माइनस फोर एंड माइनस थ्री स्क्वायर, माइनस फोर एंड माइनस थ्री स्क्वायर, इट इज स्क्वायर ऑफ माइनस वन इज वन प्लस फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री इज माइनस सेवन एंड सेवन स्क्वायर इज 49. So it is 50. Now distance of A and D. Distance between A and D. So minus 3 plus 1 square plus minus 4 minus 5 square. It is minus 3 plus 1 and 5, sorry, it is 5, 5 plus 4 square, minus 3 plus 1 is 2, 2 to the 4 plus 5 plus 4, 9, 9 the 81, so it is 85. सो इसके जो पॉइंट है सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, जो यानी कि दूरी है समझ की अलग अलग है, यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ए बी बी सी सी डी ए डी, तो जिससे यह पता चलता है कि ये क्वाड्रेटरल नहीं है, ठीक है।